हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है डे 2, जो कि मम्मी पापा इधर है नहीं ना, जैसे मैंने कहा था मम्मी पापा तो गांव के लिए निकल गए थे। तो फिलहाल गाइस, अभी अभी जस्ट उठे हैं मैं, तो मेरा तो कभी उठ के तैयार भी हो गए, तो मुझे होना है तैयार। तो फिलहाल मैं भी तैयार होता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी तो टाइम है, जो अभी 6 o'clock हो रहा है, तो मैं तो टाइम हो जाऊँगा में, तो फटाफट चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और तैयार होकर वापस आते हैं। गाइस, मैं और भैया तो तैयार हो चुके हैं। भैया तो कभी के तैयार हो गए थे, भैया तैयार हो के ना, जो पापा करते थे ना, रोज सुबह जाकर पानी डालते थे ना सब दीवारों को, पिलरों को वगैरह का, तो आज भैया ने जाके वो काम किया। तो फिलहाल गाइस, अभी हम भैया और भैया निकलते हैं दुकान के लिए, जो रेडी वगैरह हो चुके हैं, और भैया फिलहाल बस बाइक ही निकाल रहे हैं पीछे, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो जैसे भैया बाइक बाहर लाते हैं, फिर हम चलते हैं दुकान पर। भैया ने बस गाड़ी बाहर ही निकाला है, भैया किधर, भैया चलो इधर है। कपड़ा दो, कपड़ा, थैंक यू। तो गाइस, फिलहाल अभी हम निकलते हैं सीधा दुकान पे, और दुकान पे जाके एडिटिंग वगैरह जो करना वही करेंगे। तो गाइस, फिलहाल अभी हम दुकान पे पहुंच गए थे, अपने अबे हट जा मत, रखो। तो गाइस, बहने तो चाय वगैरह पी ली थी, मैंने गलती है ना, आपको दिख रहा होगा द ब्लैक ब्लैक रस, क्योंकि कुछ किसी ने डॉगी ने उधर किया पॉटी, गलती से मेरा पैर चला गया तो उसके ऊपर। तो भाई साहब, मेरे शूज़ गंदे हो गए, तो पहले शूज़ को साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं ना फटाफट एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइस अभी हम करते हैं नाश्ता, जो कि मैं लेके आया था थोड़ा बहुत, जो भी स्नैक्स लेके आया था, अभी खाते हैं थोड़ा बहुत और ब्याह कर लेंगे बस। और आज का लंच तो गाइस बड़ी मम्मी के घर पे आ जाएगा, कि बड़ी मम्मी ने, मम्मी ने, बड़ी मम्मी ने बोला था, बड़ी मम्मी भेज देगी, उनको बोला था, मम्मी ने बोला था, तो कोई नहीं उनके घर से आ जाएगा। अभी तक तो नहीं आया, बाकी अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ, जब लंच का टाइम आ जाएगा तब आ जाएगा वो, तो जब आना है तब। इसलिए अब हम कर लेते हैं टिफिन फाइनली, गाइस अभी जाके अभी खाली हुए। अगर साथ तो कस्टमर्स बहुत ही थे, कल तो बिल्कुल भी नहीं थे बारिश का मौसम की वजह से, बाकी आज एकदम मौसम खुला हो गया, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कस्टमर्स एकदम भीड़ लग गई। तो अभी जाके खाली हुए एग्जैक्टली 146। तो भैया अभी खाने खाने लग रहे हैं, तो आपको पीछे दिख रहा होगा भैया अभी खाना खा रहे। मेरा तो लंच अभी हुआ नहीं है, और मैं करूँगा मेरे यहाँ लंच, और मुझे ज़्यादा भूख है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत एक या दो रोटी खा लूँगा बस, हो जाएगा मुझे तो। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत जो काम है वो काम थोड़ा पेंडिंग है, उस काम को मैं फटाफट कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद में बैठेंगे, और बस पार्टी वाले आएंगे, उसको केक वगैरह जो देना है वो दे देते टाइम। आज मेरा फ़ोन ब्रेक हो गया गाइस, मेरा जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन एकदम ब्रेक हो चुका है, तो बहुत ही ब्रेक हो गया इधर एक, इधर इधर इधर, बकरी बोलता स्क्रीन बोलता, डिस्प्ले ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर का जो ग्लास आता है ना वो ब्रेक हो चुका है। तो अभी तो उसको रिपेयर नहीं कराऊंगा, जब आप आएंगे उसके बाद में इसको रिपेयर कराएंगे, ऐसे करके लाइफ चले जाएगा। आज भी एकदम टाइम ज़बरदस्त चल रहा है, आज कस्टमर भी है थोड़ा बहुत, इसलिए टाइम पास भी हो जा रहा है। गाइस, वापस से जाके अभी मुझे टाइम मिला है। तो गाइस, मैं क्या सोचता हूँ कि थोड़े दिन है ना, मैं ब्लॉगिंग को मतलब डेली ब्लॉग करना स्टॉप कर देता हूँ, जब तक मम्मी पापा है ना वापस नहीं आते तब तक स्टॉप ही कर देता हूँ, क्योंकि यार सब कुछ होता नहीं है, एक तो कस्टमर्स होते हैं, और मैं कुछ अच्छा कंटेंट बना नहीं पाता हूँ, तो फिर बहुत ही मैं उदास हो जाता हूँ फिर उसमें। इसलिए मैं सोचता हूँ जब मम्मी पापा आ जाएंगे ना गाँव से वापस इधर शहर में, तब है ना मैं वापस ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं ना ब्लॉगिंग को स्टॉप, डेली ब्लॉग स्टॉप कर दूँगा, और कभी कभी तो मैं बनाते रहूँगा ऐसे, तो बीच में एक दो ब्लॉग जरूर डालूँगा। तो फिलहाल गाइस, मैं इस ब्लॉग को घर पे जाके एंड करूँगा, अभी तो कुछ करूँगा नहीं। फिलहाल मैं और भैया ने ना चाय मंगाई थी, क्योंकि हमारे बाजू वाले में अंकल के गुरु जी आए थे, तो उनके लिए हमने चाय मंगाई थी, तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 3 मिनट बता रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं आज कितनी देर लग जाएगी। तो जैसे आएगा तो प्यास लेके फटाफट चाय लेते हैं, क्योंकि गुरु जी इंतज़ार कर रहे हैं, 10-15 मिनट्स हो गए, या 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए एक्चुअली, पता नहीं कब आएगा, अभी और इसका इंतज़ार ही करते हैं। सब बस घर पे आ गए थे, तो डिनर वगैरह हमने सब बाहर से कुछ थोड़ा बहुत ला लिया था, तो अगर सभी हम घर पे आ गए थे, तो बाहर से थोड़ा बहुत कुछ डिनर ला लिया था, तो डिनर वगैरह हो चुका है। मेरे जो भी कपड़े थे ना, वो कपड़े भी अच्छे से साँट दो, और आज मैं थे तो कल से भी वापस करना है, तो आज सुबह ही धो लिया था मैंने सबको, वो सब भी गए अभी वापस है जब तक, तो इसको अच्छे से रखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं ना डेली ब्लॉगिंग ऑफ कर रहा हूँ, यानी डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए मैं ना इसको ऑफ करता हूँ,
क्योंकि मम्मी पापा इधर हैं एक फिलहाल, क्योंकि मुझे दुकान देखना पड़ता है और सब कुछ होता नहीं है गाइस इनसे दुकान देखे। जब क्या पहले फ़ोन में अपलोडिंग होता नहीं है क्योंकि बार बार लैग हो जाता है, और मैंने आज जो वीडियो अपलोड करने की कोशिश किया ना उसको ना 6 times मैंने अपलोड करके कैंसिल किया, फिर भी जाके वीडियो अपलोड नहीं हुआ गाइस आज। इसलिए ना जब अपलोडिंग करते समय उसको 1 hour उसको टाइम देना पड़ता है ताकि वो अपलोड हो जाए, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन रुक जाऊँ उसके बाद में डेली व्लॉग स्टार्ट करूँगा। बोल तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा लेकिन वो आपको मैं बाद में दिखा दूँगा, जिस दिन मैं वो पा जाएंगे ना उस दिन दिखा दूँगा। तो बस यही कहना था जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ। तो जैसे कि गाइस तो आज लास्ट ब्लॉग है मेरा, तो फिर ब्लॉग्स आने बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। आज स्टेप 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया मैंने और भैया ने, तो अभी और 8 days बाकी है गाइस जो कि एकदम आराम से निकल जाएंगे, तो उसको भी निकाल ही देंगे उसमें क्या है। तो अभी तो सो जाते हैं।